तो पिछली वीडियो में हमने प्रोफाइल के इंट्रो में हेडलाइन सेटअप करना सीखा था। तो अगर आपने वहां पर एक चीज़ नोट की होगी तो वहां पर एक लिंक थी यानी कि कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों मेरा नाम है इमरान और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लिंक्डइन पर कौन कौन से और कैसे कैसे कॉल टू एक्शन एडिट कर सकते हैं। तो आपका कीमती टाइम बचाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले यार मेरे पास दो न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है एक गुड न्यूज़ है। तो ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, तो पहले जो बैड न्यूज़ है उसकी बात करते हैं। तो इस वीडियो की सारी स्क्रिप्टिंग व सारा रिसर्च वगैरह सारा काम हो गया था, लेकिन जब मैं ये वीडियो शूट करने बैठा तो मुझे पता चला कि लिंक्डइन ने एक छोटी सी चेंज लाई है, यानी कि जो इंट्रो में कॉल टू एक्शन यानी कि लिंक लगती थी वो लिंक्डइन ने रिमूव कर दी है, यानी कि फ्री वाले जो भी यूज़र्स हैं वो वाली लिंक मतलब एडिट नहीं कर सकते। अभी वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन प्रीमियम मेंबर्स के लिए। बैड न्यूज़ ये थी और आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि आपका भाई बैठा है, मैं और भी काफ़ी सारे वेज हैं जिनसे आप कॉल टू एक्शन यानी कि लिंक्स अपनी प्रोफाइल पर लगा सकते हैं और अपनी आइडेंस को किसी वेबसाइट या किसी पेज के तरफ आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लिंक आप एडिट कर सकते हैं वो यहाँ पर, अगर आप अपनी प्रोफाइल पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट इन्फो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल URL होगी, नीचे आपकी ईमेल एड्रेस होगी, जिसके बाद यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोन नंबर लगाना चाहें तो आप फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं, एड्रेस वगैरह बर्थडे डेट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, जिसके बाद हमारे काम की जो मेन चीज़ है वो ये यहाँ पर है वेबसाइट्स। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी वेबसाइट लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी YouTube URL लगाई हुई है, तो उसको आप क्लिक करके अपनी वेबसाइट लगाकर फिर नीचे आप उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी टाइप की, यानी कि पर्सनल है, कंपनी की है, ब्लॉग है, RSS फीड है या पोर्टफोलियो या अदर कोई भी है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर दो तीन वेबसाइट्स लगा सकते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर दूसरी कोई वेबसाइट लगाना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, जिसको आप फ़र्ज़ करें वो कंपनी की वेबसाइट है आपकी, वो सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप तीसरी भी लगा सकते हैं या इनमें से अगर कोई रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। जिसके बाद नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा मतलब आउटडेटेड है, यानी कि इसमें जो भी ऑप्शन है सर्विसेज हैं यानी कि स्काइप है, ICQ है, गूगल हैंगआउट्स, QQ, WeChat, ये जो भी ऑप्शंस हैं ये मतलब आउटडेटेड हैं, यानी कि अभी इनको मेरे हिसाब से तो कोई भी यूज़ नहीं करता, खास करके स्काइप तो अभी रिसेंटली शट डाउन हो गया, क्लोज हो गया, तो ये जो ऑप्शंस हैं ये किसी भी मेरे हिसाब से काम के नहीं हैं, तो आप इनको तो यूज़ नहीं कर सकते। जिसके बाद आप अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं यहाँ पर लगाकर इसको आप सेव कर दें। तो ये वाली जो डिटेल्स आपने लगाई, तो जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पर आकर कॉन्टैक्ट इन्फो पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपकी वो जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी आपने मतलब वेबसाइट्स या जो भी ईमेल एड्रेस जो भी डिटेल्स लगाई होंगी वो उसको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जिसके बाद दूसरा कॉल टू एक्शन जो बटन आप अपने इंट्रो में लगा सकते हैं वो है मैसेज का बटन, यानी कोई भी आपकी अगर प्रोफाइल विजिट करता है चाहे वो आपके कनेक्शन में हो या ना हो वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सके। तो इस पर मैंने डिटेल में आपको लिंक्डइन सेटिंग्स और प्राइवेसी वाली वीडियो में आपको और सेटिंग्स के साथ वो डिटेल में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक होगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर से समझा दूँ कि आपने क्या करना है। अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करके सेटिंग्स इन प्राइवेसी में चले जाना है। तो सेटिंग्स इन प्राइवेसी में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर डेटा प्राइवेसी वाली सेटिंग्स में आना है। डेटा प्राइवेसी वाली सेटिंग्स में आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, हु कैन रीच यू वाले सेक्शन में आपने यहाँ पर मैसेजेस पर क्लिक करना है। तो मैसेजेस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा मैसेज रिक्वेस्ट, तो अगर आपके पास ये ऑफ है यानी डिसेबल्ड है तो आपने इसको अनेबल करना है। जिसके बाद यहाँ पर इनमेल मैसेजेस है, यानी अगर किसी के पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो आपको इनमेल मतलब मैसेज करे या ना करे वो भी आप चूज कर सकते हैं। जिसके बाद आप अपने जो अलो अदर्स टू सेंड यू ओपन प्रोफाइल मैसेज, यानी कि कोई आपको मतलब डायरेक्टली मैसेज करे ना करे, या कोई अगर जॉब पोस्ट करा है तो रिक्रूटर है वो आपको हायर करना चाहे तो उसके लिए आपको मैसेज करे ना करे, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप जैसे इनको अनेबल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेन ये ऑप्शन है कि मैसेज रिक्वेस्ट, अगर आप इनको अनेबल करेंगे तो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी कोई भी विजिट करेगा तो आपकी प्रोफाइल पर मैसेज वाला एक बटन शो हो जाएगा। जिसके बाद आप और दो जगह पर भी अपना कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, वो है पहली है फीचर सेक्शन और दूसरा है सर्विसेज सेक्शन। तो उसमें आपने क्या करना है, आपके प्रोफाइल पर आ जाना है, अगर आपने अभी भी कोई सेक्शन एडिट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल सेक्शन में जाकर रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर आपने एडिट फीचर सेक्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा अगर आप कॉल टू एक्शन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट लिंक पर क्लिक करें, एडिट आर्टिकल या एडिट पोस्ट या एडिट मीडिया पर क्लिक ना करें, आप एडिट लिंक पर क्लिक करें। जिसके बाद आपकी जो भी यहाँ पर जो लिंक होगी वो आपने एडिट करनी है, जिस चीज़ पर भी आपका पोर्टफोलियो है या कोई भी चीज़ है या आप कोई
कॉल टू, मतलब आप कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, वो कोई भी हिसाब है वो उसकी आपने यहाँ पर लिंक डालनी है। तो यहाँ पर ऐसे डेमो के लिए मैंने अपने जो फेसबुक वाली प्रोफाइल है उसकी लिंक डाल दी। तो यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करूँगा, जिसके बाद आप इसका टाइटल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो किस बारे में लिंक है। अगर आपकी कंसल्टेशन है, वन ऑन वन कंसल्टेशन है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपका पोर्टफोलियो वो आप बता सकते हैं, या आप जो भी आपकी जो भी टाइटल अपने हिसाब से देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है आप उसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं कि ये मतलब किस बारे में, कौन सी चीज़ है, क्या मतलब क्या हिसाब है इसमें। जिसके बाद नीचे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप उस पर अपनी कोई भी थंबनेल यानी कि अपनी एक डिज़ाइन की इमेज जो है वो लगा सकते हैं। तो इस पर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अपने लिंक्डइन की फीचर सेक्शन वाले इमेजेस को कैसे डिज़ाइन करना है, क्या साइजिंग रखनी है, और एक्सपर्ट्स इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इसको रहने दें, बाकी आप इसमें अपनी कोई भी मतलब कॉल टू एक्शन के हिसाब से अपनी जो लिंक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जिसके बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल पर यहाँ पर फीचर सेक्शन में आ जाएगी। जिसके बाद आप सर्विसेज सेक्शन में भी कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, यानी कोई अगर आपकी सर्विसेज मतलब विजिट करेगा तो वो आपको वहाँ से मैसेज कर सकता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कोर वाले सेक्शन में आपको सर्विसेज सेक्शन नजर आ रहा होगा, तो इसमें आपने एडिट करना है, फिर कंटिन्यू करना है। जिसके बाद आपने अपनी सर्विसेज के बारे में बताना है कि सर्विसेज कौन किस हिसाब से, जैसे फर्ज करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या लोगो डिज़ाइनिंग में देखता हूँ अगर है तो लोगो डिज़ाइनिंग, मतलब आप यहाँ पर 8 जो है सर्विसेज के हिसाब से लगा सकते हैं। जिसके बाद आपने जो है इसको डन करना है। उसके बाद आपने अपनी जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वेल प्रॉपरली एक डिस्क्रिप्शन राइट करनी है जो कि 500 कैरेक्टर्स पर होगी। तो आपने वो डिस्क्रिप्शन राइट करनी है कि आप इसमें कौन कौन सी मतलब कैसे कैसे किस किस हिसाब से सर्विसेज दे रहे हैं। जिसके बाद आप वर्क लोकेशन लगा सकते हैं, जैसे फ़र्ज करें यहाँ पर मेरी कराची डिवीज़न सेलेक्ट हुई, तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यानी कि मैं सिर्फ रिमोटली काम करना चाहता हूँ, या अगर आप किसी लोकेशन पर काम करना चाहते हैं वो आप टिक कर सकते हैं, या दोनों भी आप टिक कर सकते हैं। जिसके बाद आप यहाँ पर प्राइसिंग अगर सेलेक्ट करना चाहें, आपकी कोई फिक्स प्राइसिंग है तो आप यहाँ से पर प्राइसिंग सेलेक्ट करके आवरली वो अपना रेट जो है वो बता सकते हैं, या कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी आए वो आपसे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही आपकी प्राइसिंग मतलब मालूम कर सके। यहाँ पर ये ऑप्शन है कि जो भी लिंक्डइन के मेम्बर्स हैं वो आपकी सर्विसेज अगर देखें तो वो आपको मैसेज करें आपकी प्रोफाइल के थ्रू। जिसके बाद आप ये सारी सेटिंग्स लगा कर उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई आपकी प्रोफाइल पर विज़िट करेगा यानी कि आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो वो आपकी मतलब जो है सर्विसेज के थ्रू आपको मैसेज कर सकता है, आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक कॉल टू एक्शन है मैसेजेस के लिए। तो दोस्तों यही नहीं, लिंक्डइन पर और भी काफ़ी सारे वेद हैं जिनसे आप अपनी प्रोफाइल पर कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं, यानी कि मैसेजेस का कॉल टू एक्शन, यानी या किसी और वेबसाइट के पर आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को। तो बहुत सारे वेज हैं जिनको हम जैसे आगे हम अपनी सीरीज में बढ़ते जाएंगे वीडियोस में, तो मैं आपको वन बाय वन उनको भी एक्सप्लोर करवाता जाऊंगा। लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंट थे वो ये 4 ऑप्शन थे कि आप कॉन्टैक्ट इन्फो के थ्रू, या अपनी प्रोफाइल के इंट्रो में मैसेज वाला बटन शो करवा के, या फीचर सेक्शन में अपनी जो लिंक्स वगैरह हैं वो वहाँ पर लगा कर, या सर्विसेज सेक्शन के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल पर जो है कॉन्टैक्ट मतलब कॉल टू एक्शन एक लगा सकते हैं कि कोई भी आपको रीच आउट कैसे करे, आपसे कोई सर्विसेज परचेज करे, सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो कैसे ले। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को लाजमी दबाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।